Hello friends, today we are going to discuss one of the most important, very interesting topic is muscle. Yes, what is muscle? Muscle is a connective tissue which are around 600 in numbers in our body. हमारी बॉडी में लगभग 600 मसल्स होती हैं यस, और मसल्स हमारी डे टू डे लाइफ वर्क में काम करती हैं। जो भी मूवमेंट्स होते हैं ये मूवमेंट्स किसके कारण होते हैं? मसल्स के कारण होते हैं यस। सो मसल्स ऑल्सो नोन एज मसल फाइबर, मसल्स को हम मसल्स फाइबर भी बोलते हैं। Why it is called muscle fiber? Because muscles is the only cell, muscles is the only cells in our body which is long in shape. Yes, as compared to other cell, ये cell कैसी होती है? Long cell होती है। Long cell होने के कारण कैसी दिखती है? Thread like। कैसी दिखती है? Thread like। Thread like दिखने के कारण, fiber जैसे दिखने के कारण हम इसको बोलते हैं मसल फाइबर। क्या ये समझ में आया आपको? मसल्स ऑल्सो नोन एज मसल फाइबर। हमारी बॉडी में अराउंड कितनी मसल्स होती है? 600। यस, मसल इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप डिपेंड ऑन देयर कंट्रोल, डिपेंड ऑन देयर सिचुएशन। यस, इसके हिसाब से डिपेंड ऑन स्ट्रिएशन हमने मसल्स को क्लासिफाई किया है। सो सीधे आ जाते हैं पॉइंट पे। मसल्स ऑल्सो नोन एज मसल फाइबर, इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। हमने मसल फाइबर को कितने प्रकार से क्लासिफाई किया गया है? थ्री टाइप से क्लासिफाई किया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिएशन। सर ये स्ट्रिएशन क्या है? मसल्स में जो लाइनें होती है, यस लाइनें होती है, स्ट्रिएशंस होते हैं, उसके हिसाब से मसल्स दो प्रकार की होती हैं। जिस मसल्स में स्ट्रिएशंस होंगे वो मसल होगी स्ट्रिएटेड मसल। कौन सी होंगी? स्ट्रिएटेड मसल। और जिसमें नहीं होंगे उनको बोलेंगे नॉन स्ट्रिएटेड मसल। यस, मेनली हमारी बॉडी में तीन मसल होती है। कितनी मसल्स होती है? थ्री टाइप्स की। पहली होती है, यहाँ देख लेते हैं अपन, स्केलेटल मसल। कौन सी होती है? स्केलेटल। दूसरी होती है स्मूथ, और थर्ड वन इज कार्डियक। यस, हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स है हमने उनको तीन प्रकार से, तीन नामों में, तीन जगह हमने उसको क्लासिफाई किया। पहला है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिएशन दीज थ्री मसल्स कम्स अंडर स्ट्रिएटेड एंड नॉन स्ट्रिएटेड। नॉन स्ट्रिएटेड मतलब जिसमें लाइंस नहीं होंगी। जिस मसल्स में लाइंस नहीं होंगी, जिसमें लाइंस होंगी वो होंगी स्ट्रिएटेड मसल। वो कौन सी होंगी? स्ट्रिएटेड मसल। सर वो कौन कौन सी मसल है? तो इसमें दो आएंगी। पहला आएगा बेटा स्केलेटल मसल, और दूसरा आएगा कार्डियक मसल। ये दोनों मसल में, दीज टू मसल हैव स्ट्रिएशन, डेट्स वाई कम्स अंडर स्ट्रिएटेड मसल। एंड नॉन स्ट्रिएटेड मतलब ये जो मसल्स होंगी ये स्मूथ होंगी, ऑल्सो नोन एज प्लेन मसल। इसका दूसरा नाम क्या है? प्लेन मसल। तो सबसे पहला इसमें अंदर जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगी स्मूथ मसल और प्लेन मसल। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। किसके हिसाब से हमने क्लासीफाई किया है? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। किस मसल में हमारा कंट्रोल है, किस में नहीं है? तो ये देखिए, ये जो मूवमेंट हो रहा है ये किसके द्वारा होता है? स्केलेटल मसल के। क्या हार्ट में हमारा कंट्रोल है? नहीं। यदि हार्ट में कंट्रोल होता तो हम अपने आप को कभी मरने ही नहीं देते। क्यों? हार्ट जैसे ही बंद होता हम उसको बंद होने नहीं देते पहली बार, और यदि वो हमारे ऊपर होता तो हम उसको कंटिन्यू काम भी नहीं करने देते। कैसे करते? क्योंकि हम तो थक जाते कुछ समय बाद। तो ऊपर वाले ने, गॉड ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि कुछ मसल्स पे तो हमारा कंट्रोल होता है पर कुछ पे नहीं होता।
यस, उसमें कौन कौन सी आ जाएंगी सर? तो जो कंट्रोल्ड मसल होंगी यस, उसको बोलेंगे वॉलंटरी मसल. क्या बोलेंगे? वॉलंटरी मसल. और जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन वॉलंटरी या इनवॉलंटरी मसल. यस, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी लिख देते हैं. इनवॉलंटरी मसल. यस, वॉलंटरी मसल कौन सी है सर? स्केलेटल मसल. इस पे हमारा पूरा कंट्रोल है. जबकि इनवॉलंटरी मसल है कार्डियक मसल. कार्डियक मसल और स्मूथ मसल लाइक इंटेस्टाइन, लीवर, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. सेल्फ रेगुलेटेड है, ऑटोनॉमिक रेगुलेटेड है. यस, स्केलेटल मसल को हम किससे रेगुलेटेड करते हैं? सोमेटिक नर्व से. ये किससे का कंट्रोल होती है? सोमेटिक नर्व से. यस, और जबकि ये जो होते हैं ये ऑटोनॉमिक नर्व से या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं. ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम से होते हैं. कम टू द पॉइंट, लास्ट है पहला ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन. ये जो हमने तीन नाम दिए हुए हैं ये सिचुएशन के हिसाब से हैं, मतलब इसमें तीन आ जाएंगे. पहला, जहां भी ये स्केलेटल जॉइंट्स के अराउंड होंगी, यस बोन्स के अराउंड होंगी, उस मसल को बोलेंगे स्केलेटल मसल जिस पे हमारा कंट्रोल होगा. तो पहली है स्केलेटल मसल. हार्ट में प्रेजेंट है तो कार्डियक मसल, और यदि अदर देन हार्ट और स्केलेटल में भी नहीं है तो उसको बोलेंगे स्मूथ मसल. यस, हैंस कंप्लीटेड हेयर क्लासिफिकेशन ऑफ मसल. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली विल हेल्प यू. ओके, थैंक यू.